सरोपा जी, बात करेंगे ग्वार गम की और ग्वार सीड की, तो देख रहे हैं कि दोनों ही ठीक ठाक तेजी के साथ आज कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं ग्वार गम का अक्टूबर वाला 10,500 के ऊपर है और नवंबर वाला 10,800 के ऊपर। रूपा जी देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल्स हैं ग्वार गम के लिए, वो उसके ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है तो क्या 11,000 के भी ऊपर के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल पाएंगे, जैसे हमने एक दो दिन पहले देखे थे ग्वार के अंदर? देखिए, अभी जो ग्वार है वो अपना जून 2015 के हाई पर कारोबार करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ग्वार जो है 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी मतलब पॉजिटिविटी है इसके अंदर अभी भी, क्योंकि पहले हमने देखा इसको दो तीन बार ये 10,000 के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन अब ये 11,000 के ऊपर निकल चुका है एक बार, वहां से जरूर करेक्शन आई है। और दूसरा, इसकी कीमतों को जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रूड के अंदर तेजी है, क्रूड की वजह से भी ग्वार की कीमतों को एक सपोर्ट मिला है, और जो कि बताया भी जा रहा है कि चालू सीजन में 40 से 45 लाख बोरी उत्पादन होने की संभावनाएं हैं, और हाल फिलहाल में बारिश की वजह से नई आवक में भी देरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला है। और बताया जा रहा है कि 2-3 सालों में उत्पादन भी इसका घटा है, क्योंकि पहले प्राइसेस काफी नीचे थे, इस वजह से किसानों का रुझान जो है ग्वार की बुआई की तरफ कम हुआ है, और अभी इस सीजन में देखा जाए तो बारिश में देरी से बुआई घटी है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि इसमें प्रोडक्शन इस बार कम है, लेकिन दूसरे मद्देनजर देखा जाए तो स्टॉक भी बाजारों के अंदर काफी ज्यादा अवेलेबल है, व्यापारियों के पास, ट्रेडर्स के पास, या कहीं स्टॉकिस्ट के पास काफी बड़ी मात्रा में इसका स्टॉक भी रखा हुआ है। लेकिन जो सिनेरियो बनाया जा रहा है मार्केट के अंदर या जो तेजी है, अब इसका एक और फंडामेंटल साथ में जुड़ गया कि क्रूड में तेजी है, तो इस वजह से ग्वार में भी आगे तेजी बनेगी। तो फिलहाल ग्वार के अंदर तेजी का रुझान बना हुआ है, सभी पॉजिटिव हैं इसके अंदर, और एक ट्रेंड भी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि गम जो है नवंबर वायदा बिल्कुल एक बार फिर से 11,000 के ऊपर जा सकता है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि 12,000-12,500 के टारगेट गम में अभी लेकर चला जा सकता है। वहीं सीट की बात करें तो 6200 से लेकर सीट भी ऊपर में 6500 तक जा सकता है जी।